हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक के कुछ प्रॉब्लम आई हो कि अब बहुत ही अच्छे हो गए। मोटिवेटेड रहो, एनर्जेटिक रहो और पढ़ाई करते रहो। फटाफट इस क्वेश्चन को करो। देखो, इधर टू कंडेंसर है, एक की कैपेसिटी सी है, दूसरे की कैपेसिटी सी बाई टू है। वी वोल्ट की बैटरी लगा के हमने चार्ज कर लिया। अब ये कहता है कि वर्क डन इन चार्जिंग फुली बोथ द कंडेंसर। कौन वर्क कर रहा है? बैटरी। मेरे हिसाब से ये पूछ रहा है कि वर्क डन बाय द बैटरी। तो वर्क डन बाय द बैटरी वो अलग वैल्यू होती है, और इसमें जो एनर्जी स्टोर है उसकी वैल्यू अलग होती है। दोनों वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी पैरेलल में? तो C प्लस सी बाई टू, दैट इज 3C/2। तो हमारे पास एक बैटरी है और वहाँ से हमने एक 3C/2 का कैपेसिटर है, V प्लस माइनस वी वोल्ट की बैटरी लगा के हमने इसको चार्ज कर लिया। तो इसमें जो एनर्जी स्टोर आ गया है, एनर्जी स्टोर वो होती है हाफ सी वी स्क्वायर। तो इसकी कैपेसिटी हाफ कैप 3C/2 और पोटेंशियल इसकी वी हो गई। तो 3C V² / 4, दैट इज द एनर्जी स्टोर। तो इस कैपेसिटर में, इन दोनों में जो बैटरी ने एनर्जी सेंड किया वो 3/4 CV² सेंड किया, जो कि हमें बी ऑप्शन सही मैच करा। लेकिन ये जो एनर्जी है वर्क डन बाय द बैटरी का आधा होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि एक अनचार्ज कैपेसिटर है, और अनचार्ज कैपेसिटर को जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो 50% एनर्जी का लॉस हो जाता है। बैटरी ने अगर 100 जूल भेजा तो 50 जूल लॉस हो जाएगा, 50 जूल ही इसमें स्टोर होगा। तो दिस इज एक्चुअली द एनर्जी स्टोर बिटवीन द कैपेसिटर या वर्क डन का आधा है। बट यहाँ कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, मेरे हिसाब से प्रिसाइज कोई मैच नहीं कर रहा ऑप्शन, तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो ये जो ऑप्शन बी ऑप्शन दिया है सभी बुकों में और सब लोग इसको सॉल्व किए हैं, दैट इज बेसिकली द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, दिस इज नॉट वर्क डन। अब वर्क डन क्या है उसको निकाल लेते हैं, बैटरी का वर्क डन निकाल लेते हैं, अब आपको पता चल जाएगा। चलो, तो वर्क डन बाय द बैटरी क्या होता है? बैटरी का वर्क डन, बैटरी ने चार्ज क्यू सेंड किया, पोटेंशियल डिफरेंस बी हो गया, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस बी ही होगा मेरे भाई। तो टोटल चार्ज बैटरी ने क्यू सेंड किया। अब मान लो बैटरी ने यहाँ से कैपिटल Q चार्ज सेंड किया और Q1 इसको मिला, Q2 इसको मिला, क्योंकि पैरेलल में है। तो Q1 प्लस Q2 का जो सम है वो तो कैपिटल Q के इक्वल हो गया, और Q1 की वैल्यू इनके अक्रॉस वोल्टेज सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो Q1 इज इक्वल टू सी बी, और इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो C/2 V, दैट इज द क्यू यहाँ से। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 3C/2। तो दिस इज द Q। तो वर्क डन बाय द बैटरी ले जाके हमें रखूंगा, तो बैटरी ने बिल्कुल कितना काम किया Q चार्ज भेजने में, तो Q की वैल्यू 3C/2 और एक पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस V ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 3C/2। अब देखो, दिस इज द वर्क डन बाय द बैटरी या द एनर्जी सेंड बाय द बैटरी, ऐसे कह सकते हो। तो बैटरी ने कुल इतना एनर्जी भेजा, इतनी वर्क की। अब इसका देख रहे हो स्टोर हुआ आधा, इसका जो आधा स्टोर हुआ, तो आधा कहाँ गया? आधा लॉस हो जाता है। हमेशा याद रखो कि अनचार्ज कैपेसिटर को चार्ज करने में 50% का लॉस होता है। तो 50% एनर्जी, इसका 50% स्टोर हो जाएगा, स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स। जो कैपेसिटर्स यहाँ यूज हुए हैं उनमें 50% यू स्टोर हो गया, और इसका जो 50% मतलब आधा लॉस हो गया इन फॉर्म ऑफ हीट वगैरह, ड्यू टू रेजिस्टेंस वगैरह, ETC। ठीक है, तो ये, तो या इसको ऐसे भी कह सकते हो, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, जब 50% लॉस होती है तो W/2 का मतलब 3C/2/4, दिस इज द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। तो वर्क डन बाय द बैटरी अलग है और एनर्जी स्टोर द कैपेसिटर अलग है। अगर मोर प्रिसाइज मेरे हिसाब से देखोगे तो ये जो पूछा है उसके हिसाब से कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, बट सभी बुकों में ये दिया हुआ है, तो ये जो है एक्चुअली इसको मैं एनर्जी स्टोर मान रहा हूँ, ना कि वर्क डन।